हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित फ्रॉम चटोर अंकित और आज हम आपको लेके एक ऐसी जगह पे जो कि चौक बाजार में अवेलेबल है और वहां पे हम आपको लेकर आए हैं चाइनीज फूड खिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से सब चीज़ें सब आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। तो भाई ये देखिए, हमारी फेमस चाइनीज़ क्यूजिन सेंटर की पहली फेमस डिश आ गई है। वेज लॉलीपॉप हमारे पास है और ये देखिए साइज़ देखिए भाई साहब, एकदम चिकन लेग पीस जैसा ही लग रहा है, एकदम प्यारा सा मस्त, ऊपर लहसुन वगैरह की कोटिंग की हुई बढ़िया सा। और साथ में हमें दो तीन तरह की सॉसेज मिली है, एक केचप है, ये यहाँ पे ये चिली है, पहले इसको टेस्ट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम चिली सॉस लेंगे यहाँ से। चलिए इसको खाते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है और लहसुन का मस्त सा फ्लेवर, हल्का सा टैंगी है टेस्ट। सबसे मेन जो मुझे मज़ा आ रहा है ना इस चीज़ में, वो जो सॉस है, सॉस बना हुआ है, मतलब बहुत प्यारा सॉस बना हुआ है, लहसुन का एकदम मस्त फ्लेवर आ रहा है, जो लहसुन इसको खाने के बाद चाहिए होता है कि एक चटकेदार टेस्ट आना चाहिए, वो बेस्ट है, बहुत ही कमाल का। और भाई देखिए ऊपर दिख कितना ज़बरदस्त रहा है, मतलब लाल लाल एकदम प्यारा सा सेटअप, एकदम बढ़िया सा। भाई साहब इसकी प्रेजेंटेशन देखिए कितनी कमाल की लग रही है, तीन पीस इधर, जो मैं एक अनफॉर्चुनेटली आपके बताने से पहले ही मैं खा गया, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बहुत देर से भूखा था मैं यहाँ पे तो, और तीन पीस इधर तीन पीस उधर, और बीच में प्यारी सी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखिए भाई साहब, ये गाजर के छल्ले, नीचे कैबेज है, एकदम चॉपिंग करके बहुत ही मेहनत से काटा गया है इसको। तो चलिए इसको इधर रखते हैं और एक और बार एक बाइट बनाते ही है। भाई साहब क्या चीज़ है यार, ये तो मुंह में जाते ही एकदम फिसल जा रहा है, और मेरे को बातें करने की इच्छा नहीं हो रही आपसे, ऐसा लग रहा है कि सारे छः के छः निपटा दूं। 250 रुपीज़ में 6 पीस लॉलीपॉप चौक बाजार में, आइए फटाफट खाइए और मुझे टेस्ट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। 40 रुपीज़ ईच आपको पड़ेगा, 250 की ये पूरी प्लेट है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, अपनी दूसरी डिश मंगवाते हैं। तो भाई ये हमारी दूसरी फेमस डिश आ गई यहाँ की, पनीर का कुछ सिज़लर है ये, चलिए टेस्ट करते हैं इसको, पनीर बारबेक्यू होगा मेरे हिसाब से तो। अरे भाई एक ही पीस आना है, ये देखिए लंबे लंबे स्टिक्स काटे हुए पनीर के, और पूरा सिज़लन सॉस में इधर ग्रेवी में पूरा लथपथ मिक्स एकदम। एकदम मंचूरियन जैसा फ्लेवर आ रहा है, पनीर एकदम मस्त सॉटे हुआ है,
इसको ग्रेवी देखिए पास में आइए, कितनी बढ़िया ग्रेवी है। अरे कितनी बढ़िया ग्रेवी है, पत्ता गोभी डाला हुआ ऊपर और भी कई सारे वेजिटेबल्स डाले हुए हैं। ये देखिए बेबी कॉर्न भी है भाई, महंगी सब्जियाँ। और थोड़ा सा ये पत्ता गोभी ऊपर लेते हैं, ये बेबी कॉर्न वापस गिर गया, इसको वापस से उठाते हैं। तो चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। और तीसरी अपनी भारी भरकम हैवी सी चीज़ आ रही है, राइस आ रही है कोई, वो आपको बताते हैं क्या है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, सब आपको बताते हैं। भाई ये देखिए हमारा लास्ट आइटम आ गया है, पनीर ग्रेवी के साथ पनीर राइस है, पनीर बारबेक्यू राइस है और बहुत ही कमाल का लग रहा है। पास में आके दिखाइए, मैंने अभी ग्रेवी थोड़ी रील्स बनाने के चक्कर में ग्रेवी ऊपर से ढोल दी, एक शॉट आपको वापस से दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास ग्रेवी और बची हुई है, ये देखिए क्या बढ़िया शॉट है, और बड़े बड़े पनीर के क्यूब्स के साथ क्या शानदार लग रहा है। इसको साइड में रखते हैं, अब बहुत ज़्यादा ग्रेवी ओवरलोड हो गई है। ये देखिए बड़ा सा एक पनीर का पीस लेते हैं, अंदर से थोड़ा सा राइस निकालते हैं, ऊपर नहलाते हैं राइस से इसको, और ये देखिए ग्रेवीदार राइस का एक बाइट बनाया बड़ा सा पनीर के साथ। किलर डेडलीस्ट पनीर के जो क्यूब थे भाई, इतना बड़ा पनीर का क्यूब मुंह में गया, राइस साथ में, और जो मसाला जो ब्लेंड हुआ है ना राइस के साथ, बहुत ही कमाल का। और ये वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है, एकदम टैंगी सा टेस्ट दे रहा है ये, स्पाइस भी एकदम बैलेंस्ड है, मतलब जो माइल्ड खाने वाले लोग हैं वो भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही गजब लग रहा है। तो चलिए एक बाइट खाते हैं इसको उठा के बढ़िया सा, और ऑप्शन जाते हैं बाद वापस आपको यहाँ पर आके इसकी डिटेल्स बताते हैं कि ये कहाँ पर है, कितने सालों से है, क्या इसका एड्रेस है, क्या इसकी टाइमिंग है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं थोड़ी देर में। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हमारा खाना पीना यहाँ पे हो चुका है, और आपने जो तीन डिशेस देखी, एक थी पनीर बारबेक्यू राइस, दूसरी थी जो चाइनीज़ सिज़लर थी प्यारा सा बड़ा सा एकदम था वो था, और जो सबसे बेस्ट मुझे जो लगी ना वो वेज लॉलीपॉप थी, जो साइज़ था वो दूसरे लॉलीपॉप जो मैंने और मार्केट में खाए उनसे बड़ी बड़ी साइज़ के थे, दुगने साइज़ के थे इवन, और उससे ज़्यादा सॉफ्ट भी था प्लस टेस्ट में भी उससे ज़्यादा बेटर। तो ये थी यहाँ की कहानी। और मैं अगर आपको इसके एड्रेस के बारे में बताऊँ तो ये आपको चौक बाज़ार में जमजम पैलेस के पास नानावट मेन रोड पे पड़ेगा, आप वहाँ पे आइए, फेमस चाइनीज़ क्यूजिन किसी से भी पूछिए, बहुत ही फेमस दुकान है फ़ायदा बाज़ार 100 के पास में, यहाँ पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। थोड़ी गलियाँ हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस होगा, लेकिन आप पूछते पूछते आप आराम से पहुँच जाएंगे, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं आजू बाजू में, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे आइए। टाइमिंग्स के बारे में आपको बताऊँ तो ये 12 घंटे यहाँ पे ऑपरेशन चलता है इनका, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपको सर्विसेज मिलती है 12 घंटे की टोटल, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि चाइनीज़ लवर है, चाइनीज़ बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जो कि चौक बाज़ार के पास अगर रहते हैं तो उनको बताएं कि ये प्लेस एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, जहाँ पे चाइनीज़ फूड मिलता है बढ़िया बढ़िया। और अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपके लिए नई नई जगह लेके आता रहता हूँ सूरत के कोई भी कोने से। तो चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।